ना वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ लोकेशन जब हम स्टोर की लोकेशनस की बात करते हैं सो देर आर ऑफकोर्स डिफरेंट टाइप्स विच आर अवेलेबल सो हम वन बाई वन उन तमाम टाइप्स ऑफ लोकेशन को डिस्कस करते हैं और दैन फिर उसके एडवाटेजेस उसके डिसडवाटेजेस और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जिस टाइप ऑफ स्टोर को हम लोकेशन को डिस्कस करने लगे हैं वो है आइसोलेटेड स्टोर के हवाले से सो द फर्स्ट टाइप इज आइसोलेटिड स्टोर आइसोलेटेड स्टोर्स क्या है इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इन जनरल वो स्टोर जो कि किसी आइसोलेट लोकेशन के ऊपर होते हैं वो आइसोलेट स्टोर कहलाते हैं इसी तरीके से हमारे पास जो सेकेंड टाइप ऑफ लोकेशन है दैट इज प्लान शॉपिंग सेंटर्स नॉर्मली अगर हम पाकिस्तान की एग्जाम्पल के हवाले से मैं इसको एक्सप्लें करने की कोशिश करूँ क्विकली सो प्लान शॉपिंग सेंटर्स आर लट से अगर हम बात करते हैं एम्पोरियम मॉल की इन लाहौर अगर हम बात करते हैं लकी वन की इन कराची अगर हम बात करते हैं सेंटोरस की इन इस्लामाबाद तो ये प्लान्ड शॉपिंग सेंटर है सो so, हमारी क्या टाइप ऑफ लोकेशन जो है वो आइसोलेटेड थी पहले तो यहाँ पर क्या वो कोई प्लान्ड शॉपिंग सेंटर है जिस तरीके से आपने अगर ऑब्जर्व किया हो सो so, हाइपर स्टार नॉर्मली प्लान शॉपिंग सेंटर्स के अंदर अपने स्टोर्स को प्लान करता है और अगर हम बात करते हैं मेट्रो की पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में तो वो मेजॉरिटी केसेस के अंदर आइसोलेटेड स्टोर्स की ऑप्शन के ऊपर लोकेशन को सेलेक्ट करता है फिर हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ लोकेशन है जो कि अन प्लान्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की है सो so, इस तरह की नॉर्मली अन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अन बिजनेस सेंटर्स की जो लोकेशन है ये वो टाइप ऑफ लोकेशन है जो कि लट से किसी पर्टिकुलर स्ट्रीट किसी पर्टिकुलर मार्केट जो कि ऑफ कोर्स शॉपिंग सेंटर नहीं है लेकिन स्ट्रीट के ऊपर जिस तरह अगर हम एम एम आलम रोड के हवाले से बात करें सो so वो अन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है सो so, इस वन ऑफ दी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं हम इसको डिस्कस करते हैं क्विकली लेकिन अन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट दिस नॉमली नॉट प्लान्ड दे आर नॉट लाइक प्लान शॉपिंग सेंटर्स बट दे आर नॉर्मली ऑन द मेन स्ट्रीट्स रोड्स हाईवेज जो के हमारे पास लोकेशन अवेलेबल होती है सो so, तीन तरह की लोकेशंस हमने डिस्कस की हैं सबसे पहले मैं डिस्कस करने लगा हूं आइसोलेटेड स्टोर्स की लोकेशन के हवाले से तो आइसोलेटेड स्टोर के लोकेशन जैसा मैंने बताया कि ये वो टाइप ऑफ लोकेशन है जहां पर जो स्टोर है वो आइसोलेशन के अंदर किसी आइसोलेटेड लोकेशन के ऊपर होता है जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं मैंने एग्जाम्पल मेट्रो की दी आपको जिस तरीके से अगर हम इम्तियाज़ कराची के स्टोर की बात करें सो नॉर्मली दे हैव आइसोलेटेड स्टोर्स अवेलेबल जिस तरह अगर हम कॉस्को की बात करें वॉलमार्ट की बात करें सो नॉर्मली दे आर ऑपरेटेड इन टू आइसोलेटेड स्टोर की तरह की लोकेशन के ऊपर क्या क्या एडवांटेजेस हैं नॉर्मली आइसोलेटेड स्टोर के केसेस के अंदर बिकॉज यू आर ऑल अलोन इन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग प्रेमिस तो देर इज नो कॉम्पिटिशन जो रेंटल है कॉस्ट इज ऑलमोस्ट लो जो कि नॉर्मली कंपेयर टू किसी प्लान बिजनेस सेंटर के जो कॉस्ट ऑफ रेंटल है वो उसमें बहुत हाई है तो इस तरह की लोकेशन के अंदर रेंटल कॉस्ट या लीज कॉस्ट ज़ नॉर्मलीस सो फ्लैक्सिबिल होता है फ्लैक्सिबिलिटी अवेलेबल है गुड फॉर कन्वीनियंस स्टोर है बेटर विजिबिलिटी नॉर्मली होती है बिकॉज यू आर ऑल अलोन अवेलेबल इन टू अ पर्टिकुलर लोकेशन तो वहाँ पर आपकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज ए रिटेलर और एज ए ब्रांड फिर इसके अलावा अडेप्टेबल फैसिलिटीज़ वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू बिकॉज दैट इज़ योर प्रेमिसज आप जो मर्जी करना चाहते हैं जिस तरह की मर्जी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं यू कैन एडजस्ट यू कैन अडेप्ट अकॉर्डिंगली पार्किंग ईजीली अवेलेबल बिकॉज जो कस्टमर है वो आपका ही कस्टमर है आपके लिए ही आया है सो so, वहां पर पार्किंग की इजीनेस नॉर्मली आइसोलेटेड लोकेशन के अंदर इज वन ऑफ द मेन एडवांटेजेस अगर हम डिसवाटेज की बात करें तो ऑफकोर्स डिफिकल्टी होती है अट्रैक्टिंग कस्टमर कस्टमर ये सोच रहा होता है कि मैं किसी एक मॉल में जाऊं और वहाँ पे जाके मुझे मल्टीपल सोल्यूशन मिल जाएँ मैं शॉपिंग भी कर लूँ मैं ग्रॉसरी भी कर लूँ मैंने कपड़े बाय करने हैं वो भी बाय कर लूँ मैंने शेड ट्रेमिंग करानी है वो भी करा लूँ सो so, वो तमाम सोल्यूशन मुझे एक मॉल के अंदर तो मिल जाते हैं लेकिन किसी आइसोलेटेड स्टोर की लोकेशन के ऊपर नहीं मिलते तो ऑफकोर्स इट गिव्स लेस अट्रैक्शन टू द कस्टमर्स तो डिफिकल्टी इन अट्रैक्टिंग कस्टमर इज ऑलवेज अ पॉइंट ट्रेवल डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज ए डिसडवाटेज नॉर्मली आइसोलेटेड स्टोर्स क्योंकि अकेले लुक स्टोर्स होते हैं अकेली लोकेशन के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं तो डिस्टेंस लोकेशन के ऊपर होते हैं सो द ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से इट इज़ ऑलवेज अ चैलेंज दैन यू डोंट गेट लैक ऑफ वराइटी ऑफ कस्टमर यू डोंट गेट लॉट ऑफ कस्टमर्स डिफरेंट वराइटी ऑफ कस्टमर्स इट इज़ वन ऑफ द डिसडवाटेज फिर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इज़ वेरी हाई क्योंकि मॉल के कॉन्सेप्ट के अंदर या बिजनेस सेंटर के कॉन्सेप्ट के अंदर जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट है वो शेयर होती है इस केस के अंदर यू हैव टू इंकर ऑल कॉस्ट फॉर यू एट योर ओन देन नो कॉस्ट शेयरिंग जिस तरीके से मैंने बताया कोई आपके साथ कॉस्ट शेयर करने वाला नहीं है बेशक वो रेंटल कॉस्ट है बेशक वो मैंटेनेंस कॉस्ट है बेशक वो स्ट्रक्चर की कॉस्ट है तो यहाँ पर सिक्योरिटी की कॉस्ट है तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज के तौर पर कंसिडर किया जाता है फिर रिस्ट्रिक्टिव जोनिंग लॉज भी वन ऑफ द डिसडवाटेजेस में से है ओपन आइसोलेटेड स्टोर इन कैंटोनमेंट ऑफ कोर्स यू विल फेस चैलेंजेस इन गेटिंग अप्रूवल्स एन एवरीथिंग सो वन ऑफ द डिसडवाटेजेस में से भी है जब हम किसी एक पर्टिकुलर जोन किसी के पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डिफरेंट लॉस की बात करते हैं एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं इसकी आइसोलेटेड स्टोर्स की लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स नॉर्मली वॉलमार्ट कॉस्को मेट्रो ये नॉर्मली एग्जाम्पल्स हैं इसकी और कन्वीनियंस स्टोर मॉडल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो के स्टार है या के एम है सेवन इलेवन है ये उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास या यूटिलिटी स्टोर हैं जो कि पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में हम बात करते हैं तो आइसोलेटेड स्टोर की एग्जाम्पल्स में से हैं उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी टाइप ऑफ लोकेशन की अन बिजनेस सेंटर्स की या अन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट की नॉर्मली दे आर फोर टाइप्स ऑफ अन बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सबसे पहला है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एग्जाम्पल क्विकली डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मली ये उस तरह के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है ऑफकोर्स अन प्लान्ड हैं लेकिन जहाँ पर मेनली ऑफिसज अवेलेबल होते हैं ज़्यादातर ऑफिसज होते हैं सो so लाहौर में जिस तरीके से गुलबर्ग का एरिया है इज इज कंसिडर टू बी देंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट या लिबर्टी की मार्केट होगी या गुलबर्ग की कोई भी मार्केट होगी दैट वुड बी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तो अन नॉर्मली होता ही है अन प्लान स्टोर होते अन प्लान बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन ऑफकोर्स जो सी बी डी हैं यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्स हैं वो कोर्स मेन लोकेशन के नहीं होते लेकिन दे आर नेक्स्ट टू मेन लोकेशन और कनेक्टिविटी होती है टू दाईवेज और कनेक्टिविटी होती है मेन लोकेशंस की दो मेन रोड्स की दो मेन सड़कों की दो मेन स्ट्रीट्स की जहाँ पर नॉर्मली सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आपका इस तरह की लोकेशन के ऊपर होता है तीसरी तरह की लोकेशन जो है वो नेबरहुड स्टोर्स की है जिस तरीके से एक पर्टिकुलर सोसाइटी में लेट्स से डीएचए के अंदर सो डीएचए की लोकेशन के ऊपर जो भी स्टोर होगा वो नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट बिजनेस डिस्ट्रिक्ट केंसिड के तौर तो तो पर कंसिडर किया जाएगा और फिर स्ट्रिंग डिस्ट्रिक्ट है वो जो तमाम इस तरह की अनप्लान बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कि नॉट इन द मेन एरिया बट दे आर एक्चुअली दबर्ब्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया स्ट्रिंग्स हैं विंग्स हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस एरिया के हवाले से तो हमारी जो अनप्लैंड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट उसमें चारों ऑप्शन जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं कोई एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूं तो लेट्स से सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से अगर गुलबर्ग की बात करें तो दिस विड बी लाइक गुलबर्ग जो कि आपको हेल्प करेगा अगर आप स्टोर की लोकेशन को चूज करते हैं अनप्लैंड बट स्टिल यू आर इन देंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पार्ट थर्ड टाइप ऑफ लोकेशन विच वॉज द प्लान्ड शॉपिंग सेंटर्स अब प्लैंड शॉपिंग सेंटर्स क्या हैं जो कि प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज एक शॉपिंग सेंटर्स हैं पाकिस्तान में बहुत क्विकली इन द लास्ट फोर फाइव ईयर्स क्विकली इमर्ज हुए हैं जिस तरीके से एम्पोरियम मॉल की बात करेंगे पैकेजेज मॉल होगा सेंटोरस होगा लकी वन होगा और इस तरह के बहुत सारे मॉल्स शॉपिंग मॉल्स हैं शॉपिंग सेंटर्स हैं जो कि इमर्ज हो रही है तमाम शॉपिंग सेंटर्स जो हैं वो प्लैंड शॉपिंग सेंटर्स कहलाते हैं और प्लैड शॉपिंग सेंटर्स के ऑफकोर्स देर आर लॉट ऑफ एडवांटेजेस एंड देर आर सम समिसज ऑल्सो सो लेट मी क्विकली डिस्कस कौन कौन से एडवांटेजेस हैं सबसे पहले आपके पास जो मेजर एडवांटेज दस इज वेल राउंडेड असॉटमेंट क्योंकि शॉपिंग सेंटर्स के अंदर यू कैन फाइंड एवरी थिंग एन एनी थिंग तो आपके पास एक अच्छी तरह की असॉटमेंट हर तरह की असॉटमेंट मौजूद है स्ट्रॉग सब अर्बन पॉपुलेशन मौजूद है वन स्टॉप सोलूशन है एवरी थिंग अंडर वन रूफ का कॉन्सेप्ट है कॉस्ट शेयरिंग बड़े आराम से मुमकिन है और क्योंकि ये शॉपिंग सेंटर्स का है तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सेस बहुत ज़्यादा होती है आपका वॉक इन कस्टमर जिसे हम पेडिस्टेरियन ट्रैफिक की बात कर रहे हैं वो बहुत ईजीली अवेलेबल होता है मौजूद होता है इस तरह के स्टोर्स के ऊपर और नॉर्मली जब आप विजिट करें आप इवेल्यूएट कर सकते हैं कि दैट इज़ दी रियल पिक्चर डिसएडवाटेज दर अलॉट ऑफ डिसएडवाटेज जो मेजर डिसएडवाटेजेज़ हैं उनमें कॉस्ट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि जहाँ पर कॉस्ट ऑफ द दी शॉपिंग सेंटर यहाँ पे पर स्क्र फिट कॉस्ट इज़ टू हाई ये वाला मेन पॉइंट की बात कर रहा करूँ सो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है आप बहुत ज़्यादा अडेप्टबिलिटी जो है वो आपको नहीं करनी पड़ती आपको यू हैव टू बी विद इन द रूल्स ऑफ द शॉपिंग सेंटर इसी तरीके से और देर आर रिस्ट्रिक्शन इन प्रोमोशन एंड ऑफरिंग्स आपका इन्वायरमेंट हर लिहाज से आप इवेल्यूएट कर सकते हैं सो प्लैंड शॉपिंग सेंटर्स जो हैं वो नॉर्मली दे कैरी मोर सॉलिड एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ लोकेशन क्विकली मैं आपके सामने कुछ एग्ज़ाम्पल्स रख रहा हूँ जिस तरीके से रोज वैलेट फील्ड की है आप देख सकते हैं इट इज़ अ गुड मॉल अवेलेबल और इस मॉल की दे काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज या प्लान्ड बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इसी तरीके से एग्जाम्पल फेस्टिवल वॉक की है हॉन्ग मॉल की है मेगा मॉल की आपको जब मैं इन मॉल्स की पिक्चर दिखा रहा हूँ यू कैन ईजीली व्यू के पैकेजेज मॉल या एम्पोरियम मॉल भी इसी तरह की या लकी वन मॉल भी इसी तरह के कोई बिजनेस सोलूशन हैं इसी तरीके से कोको वॉक की एग्जाम्पल है लाइफ स्टाइल सेंटर बिजनेस सेंटर है वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल्स अगर हम शेयर करते हैं प्लैंड बिजनेस डिस्ट्रिक्स के हवाले से तो हमने तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशन आइडेंटिफाई की डिस्कस की हैं और नाउ द रिटेलर हैज़ टू तो डिसाइड कि वो कौन सी टाइप ऑफ लोकेशन को कैरी फॉरवर्ड करता है अपने पर्टिकुलर स्टोर को चलाने के लिए या ओपन करने के लिए